नारी सशक्तिकरण भारत के लिए वोट बैंक का नहीं बल्कि राष्ट्र कल्याण का, राष्ट्र निर्माण का एक समर्पित मिशन है। हमने देखा है कि पहले अनेक सरकारें आई गई, हमारी बहनों को लोकसभा और संसद में 33% आरक्षण के झूठे वादे करके बार बार वोट मांगे गए, लेकिन संसद में साजिश करके कानून बनाने से रोका गया, बार बार रोका गया, लेकिन मोदी ने बहनों को गारंटी दी थी और मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी। आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक सच्चाई बन चुका है। मैं इस सभा में और आगे के लिए भी मैं चाहूंगा कि विकास की गाथा में हमारी मातृशक्ति की भागीदारी और ज्यादा बढ़े और प्रगति का रास्ता खुले, उसी दिशा में हमने आगे जाना है। भाइयों बहनों, आज विकास की जितनी परियोजनाएं हमने लागू की है वो सारी हमें ये कानून पास होने से ताकत मिलने वाली है।